अच्छी लगी भैरिया, और हिट भी होना चाहिए, मेरे को बहुत अच्छी लगी, कॉमेडी भी है अच्छी है, और वरुण धवन की भी एक्टिंग अच्छा लगा, और जो हीरोनी है उसमें वो भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगे, भैरिया बनते दोनों, दोनों प्यार भी होता, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और एक बार मन देखने के लिए, इसको स्टार्स मिलने भी नहीं चाहिए, इतनी गंदी मूवी है। Not in particular, the film was good and I hope people like it. वो नेचर के बारे में जो था वो बहुत अच्छा लगा, कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा है फिल्म का, लेकिन द एग्जीक्यूशन इज नॉट अप टू द मार्क। वो मतलब कॉमेडी पूरा ऐसा मजा नहीं आया। कॉमेडी इंटरवल में भी मैंने बोल दिया था, क्या है सस्पेंस, सस्पेंस जो है अभी जिसको अगर देखने का रहेगा उसके लिए छोड़ते हैं, वॉच इट एंड ओरिस। अभी तो ये क्या अभी मूवी बना दी है लोग ने, देख अभी तो नहीं चलेंगे मेरे ख्याल से। ये जरा आदि पुरुष को बताओ, क्या टीजर था यार वो, अरे वो भेड़िया के रियलिस्टिक लग रहा था यार। करेक्शन, एक्चुअली करेक्शन था कि ये पिक्चर बनाना ही नहीं चाहिए था, ये पिक्चर ही नहीं बनाना नहीं चाहिए था, ये करेक्शन था पिक्चर के लिए। काम किसका काम, गिन के चार कैरेक्टर है, एक तो जन्ना को लाए, स्त्री का कैरेक्टर वापस लाए, वो भी कैरेक्टर को बेकार कर दिया ये मूवी में, इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया। मतलब राइटिंग ही ऐसे प्रॉपर नहीं है, जो हंसाता भी नहीं है, थोड़े बहुत ऐसा एक आध दूसरे सीन में थोड़ा बहुत स्माइल आएगा, बट द राइटिंग इज़ नॉट दैट प्रॉपर। वो पहले वाली बात, हाँ वो पहले, वो बॉलीवुड पहले वाला बॉलीवुड नहीं रहा, अब 2010 वाला। ऑफ कोर्स 4.5 ऐसे भी जब वो कॉमेडी एरा हुआ करता था, पर अभी क्या है, राइटर्स की सख्त ज़रूरत है। आई थॉट कि अच्छी होगी, मतलब रिसेंट टाइम में हार्डली थोड़े बहुत, इवन स्त्री वॉज फनीएस्ट फिल्म, वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट फिल्म इन रिसेंट टाइम्स, पर ये फिल्म मज़ा नहीं आया। कांट बिलीव कि अमर कौशिक ने बनाई है। इवन बाला भी अच्छी थी, पर ये फिल्म नॉट अप टू द मार्क। इतनी बेकार पिक्चर थी, इतनी बेकार, उधर क्या बना दिया ये लोग ने, थर्ड ये इंस्टॉलमेंट है हॉरर कॉमेडी का, और इतना बेकार था, अरे एंडिंग में और इतना बेकार इसका सस्पेंस, और ये था सब लोग लगा बहुत खतरनाक रहेगा, पर इतना बेकार सस्पेंस था पूरा पिक्चर में, तो कॉमेडी हिट नहीं हुई, एक भी कॉमेडी हिट नहीं हुई कुछ कॉमेडी थी ही नहीं ये वाली, आप समझ जाओ यार, कॉमेडी में कुछ था ही नहीं, और हॉरर कॉमेडी ना हॉरर है ना कॉमेडी, कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट पे इसलिए मूवी में कुछ कुछ सीन्स अच्छे हैं, पर ओवरऑल फिल्म किसी को अच्छी नहीं लगेगी शायद, शायद मे बी थी आई डोंट नो, पर ह्यूमर तो फ्लैट पड़ता है, थोड़ा बहुत हॉरर भी फ्लैट पड़ता है, बट द मैसेज दे हैव ट्राइड टू गिव इज गुड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर वो कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। परफॉर्मेंस सबके अच्छे हैं, वरुण धवन मतलब उनका वो मेहनत दिखता है, वो एनिमल फ्लो वगैरह सब सीखा था तो दिख रहा है उनका, एंड परफॉर्मेंस सबके अच्छे हैं, दीपक डोबरियाल, अभिषेक बैनर्जी, कृति एंड एंड जो न्यू एक्टर है उस सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, एंड मैडॉक ऑलवेज गिव्स चांस टू एवरीवन। और मैडॉक के मतलब ये इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इन स्क्रिप्ट, बट यू कैंट ये डाउट देयर एक्टर चॉइसेस, उनके इस कैंप में जो एक्टर्स होते हैं वो तो नेचुरल एक्टर्स होते हैं नॉर्मली। मूवी बहुत अच्छी थी, वरुण धवन ने इसमें बहुत अच्छा एक्ट किया है, अनबीटेबल। स्टोरी भी बहुत अच्छी है, और मतलब क्या बोलूँ मैं, वरुण धवन ने बहुत अच्छा एक्ट किया है, मतलब A1 बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा A1। 5 में से मैं 4 स्टार दूंगा। बोलते हैं लोग बहुत सारे कि वो ओवर एक्टिंग करते हैं, तो जिनको लगता है ओवर एक्टिंग करते मूवी आके देख लो, क्योंकि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट चूज करता है कोई रीमेक नहीं कर रहा है, म्यूजिक पे डांस, उनका डांस जो भी है बेस्ट है। मैंने एक नोटिस किया एक बात, कि भेड़िया के जो मोशन थे ना चेहरे पे, उनके जो आंखें ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे, क्या था, और इंटरवल के पहले जो वरुण धवन भेड़िया बनते हैं वो सबसे बेस्ट पार्ट था यार, और 30 मिनट लास्ट के तो ज़बरदस्त थे। मतलब आई वुड से कि यू कैन ट्राई एंड वॉच दिस फिल्म, मे बी यू मे लाइक इट या यू मे नॉट लाइक इट, ऐसा मैं ये तो, किसी को रोक तो नहीं सकता, मत देख लो ना, वैसे देख लो क्या फर्क पड़ता है पर रूही से तो बेटर ही है, रूही वॉज अ डिजास्टर, तो भी इससे तो कहीं गुना बेटर है। 2.5 अरुण धवन का पिक्चर देखने गया, सोचा मूवी का एक बार अच्छा था, वो था VFX अच्छा था, क्योंकि ड्रीमवर्क्स ने VFX किया तो VFX अच्छा था,
और अभी देखते हैं अभी कनेक्ट हो रहा है, अभी 3-2 भी आने वाला, तो उसमें देखते क्या होता है। भेड़िया में यूनिक कॉन्सेप्ट है यार एकदम, मतलब मुझे लगता है कि फर्स्ट ऐसा होगा कि बॉलीवुड में जो ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया है कि पर्यावरण के लिए प्रकृति प्रगति ऐसा अलग सी टॉपिक लेके आ चुका है, क्योंकि जब से देख रहे हो रीमेक ही चालू है बहुत टाइम से एक्शन, लेकिन टॉपिक अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक। वरुण धवन का काम स्पेशली मैं उनको मेंशन करूँगा, बहुत अच्छा काम है उनका, सबसे अच्छा काम है। उन्होंने खुद को बहुत सोच के मतलब कि डिपेंड किया कि मैं ऐसी मूवी करूँगा, इसके लिए मुझे ये कैरेक्टर चाहिए। दीपक दोबरियाल उनकी तो बात ही हो एकदम अलग है, उनका हर मूवी में उनकी आवाज़ सेम रहती है लेकिन कैरेक्टर अलग होता है उनका। और अभिजीत अभिषेक बैनर्जी का नाम है ना, वो उनका भी काम अच्छा है जो स्त्री में थे, और जो दूसरे नॉर्थ इंडियन को है उनका भी ठीक है। स्टोरी इंटरवल के पहले थोड़ी सी बिल्डअप करने में टाइम जाता है, क्योंकि वो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर इंटरवल के बाद करेंगे तो लगता नहीं समझता नहीं, लेकिन इंटरवल के बाद और लास्ट के 30 मिनट माइंड ब्लोइंग VFX टॉप लेवल का है, टॉप। अगर इतने कम मुझे तो बजट मालूम नहीं है। बॉलीवुड में कांड हो गया, एट लास्ट बॉलीवुड में कांड हो ही गया सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम दृश्यम ने कांड कर दिया और अभी भेड़िया ने कांड कर दिया। वरुण धवन शोड ही इज़ अ सन ऑफ डेविड धवन, द डायरेक्टर ऑफ डेविड धवन। सुपर एक्टिंग बाय वरुण धवन, सुपर VFX, सुपर बैकग्राउंड म्यूजिक, सुपर स्टोरी, एवरीथिंग इज़ न्यू इन बॉलीवुड। और कहाँ ना कहाँ इस टाइम पे नो रीमेक्स, बोले नो रीमेक नो कॉपी स्टोरी, अ प्योर, मतलब बॉलीवुड ने दिखा दिया है कि बॉलीवुड इज़ बैक विद अ प्योरिटी। सब कुछ नया और सब कुछ मज़ा आ गया, सॉन्ग्स आर गुड, BGMs गुड, एडिट इज़ क्रिस्पी एंड एवरीथिंग इज़ गुड। फर्स्ट हाफ इज सुपर्ब, सेकेंड हाफ इज़ ऑल्सो गुड। और इसके जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो अभिषेक सर है, दीपक दोबरियाल है, उन्होंने बहुत अच्छा कॉमेडी किया, नो डबल मीनिंग, डायरेक्ट कॉमेडी है। और अभिषेक तो इतना हंसा थे, बाय गॉड हंस हंस के पेट दर्द होता। और दीपक दोबरियाल इज़ सुपर्ब, उन्होंने दबंग 3 में काम किया, दबंग 2 में किया था, अब आए बहुत गैप के बाद उन्होंने अच्छा काम किया। तो ओवरऑल दिस अ नाइस मूवी, गुड मूवी, वन टाइम वॉच तो 100% है ही है, तो आप दोबारा भी देख सकते। सुपर वर्क, एवरी टीम वर्क, मतलब भेड़िया जैसी मूवी है वैसे प्योरिटी दिखाई है, वैसे फर्स्ट क्लास दिखाई है। आपको लगता है, महसूस होता है कि हम भेड़िया देख रहे हैं, और उसका जो VFX है, हम लोग को लगता है कि अभी हम लोग भी थोड़ा हॉलीवुड से आ सकते हैं लेवल पे, और बहुत मेहनत की और VFX पे पूरा का पूरा दिखाया है। वो हाँ, आई एम वरुण धवन बिगेस्ट फैन, मुझे वरुण धवन बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं उनकी हर मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत टाइम बाद यूनिक कॉन्सेप्ट है, लगता है कि जो यूनिक कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं रीमेक देख देख के बोर हो गए, ये मूवी आ जाओ, फैमिली एंटरटेनमेंट है, पैसा वसूल है, पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, हंस भी सकते हो, बहुत अच्छी है। 4 4